अज 1 सितंबर नूं जिला पटियाला दे विच कोविड दी की स्थिति है उहदे बारे जानकारी दे रहे ने सिविल सर्जन पटियाला डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी। अज 1950 दे करीब सानू रिपोर्ट्स मिली हैं, जिस चो 105 पॉजिटिव आए ने केसिस, जिस नाल टोटल पॉजिटिव केस पटियाले 6,433 हो गए ने। मिशन फतेह तहत 168 केस सेहतयाब होकर डिस्चार्ज कर दिते गए ने, जिस नाल ठीक होने वाले केसां दी गिनती 4,796 हो गई है। अनफॉर्चुनेटली 168 डेथ्स भी हुई हैं, तो एक्टिव केसां दी गिनती 1,474 है, जिस तो साफ लगता है कि 75% केस जिहड़े ने वो ठीक हो चुके ने ते बाकी सेहतयाबी वल ने। जिहड़े 105 केस सानू मिले ने, इन्हां चों 53 पटियाला शहर चों, 3 समाणा, 17 राजपुरा, 10 नाभा, 7 पातड़ा, 1 सनौर अते 14 वख-वख पिंडां चों मिले ने। ते इन्हां चों वी 22 जिहड़े पॉजिटिव केसां दे संपर्क च आण ते मिले ने, ते 83 कंटेनमेंट जोनस ते फ्लू कॉर्नरस ते सैंपलिंग तों बाद मिले ने, ते 2 सेहत कर्मी वी अज पॉजिटिव आए ने। गाइडलाइनस मुताबक इन्हां दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अते होम आइसोलेशन या मूवमेंट टू कोविड केयर सेंटर या राजेंद्र हॉस्पिटल करी जा रही है। 2 टेस्ट भी हुई ने अच, दोनों ही पटियाला शहर नाल संबंधित ने। ते पॉजिटिव आए केसां चों 4,066 केसां नूं घरां च ही रख के होम आइसोलेट किया गया, जिन्हां चों भी 3,138 मरीज अपना पूरा समा पास करके सेहतयाब होके अपने काम च बिजी ने, ते बाकी अपने घर च ही रह के अपना होम आइसोलेशन का पीरियड पूरा कर रहे हैं, जिस तो साफ सिद्ध होंदा है कि सरकारी राजेंद्रा हॉस्पिटल च सिर्फ ही सिर्फ गंभीर मरीजों नूं लेके दाखिल कराया जा रहा, ताकि उन्होंने ठीक कराया जा सके। और एक वाजे करना चाहना है कल कि सोशल मीडिया से कुछ चैनल्स से बड़िया अफवाहां फैलाइया जा रही हैं कि पॉजिटिव आनते हरेक मरीज नूं हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, और या कोई पेमेंट्स होंदी हैं डॉक्टर्स नूं आशाज नूं, ये बिल्कुल निराधार बेकार और कूड़ प्रचार है, बिल्कुल सच तो परे है, झूठ है और निंदन योग है। सैंपलिंग करन दा इको एक मकसद है सरकार दा, जिवें कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी और सेहत मंत्री साहब ने भी स्पष्ट किया है कि असी जिहड़ा कोई छिपिया होया पॉजिटिव केस है फैमिली च जां समाज च, उहदा पता लगा के उन्नू आइसोलेट करके उहदा इलाज किया जाए, ताकि दूजे फैमिली मैंबर नूं जां समाज के व्यक्तियों नूं इह बीमारी तो बचाया जा सके। सो मेरी एक बार फिर अपील है, सारे जो ये झूठा प्रचार कर रहे ने, चाहे कोई सोशल मीडिया ते या इंडिविजुअल है या कुछ चैनल्स हैं या कुछ अहिजियां संस्थावां हैं ऑर्गेनाइजेशनस हैं कि सैंपलिंग का विरोध करो, सैंपलिंग करानी नहीं, सेहत वाली टीमों नूं असी आन नहीं देना अपनी कॉलोनीज च मोहल्लियां च या पिंडां च, बिल्कुल गलत है। ये अपने तो असी अपने पैर ते कुहाड़ा मार रहे हो, ये तुहाडी सेवा वास्ते ने, सैंपलिंग बिल्कुल तुहाडे फायदे वास्ते, तुहाडी सेवा वास्ते, तुहाडे इलाज वास्ते, तुहाडी सेहत वास्ते बिल्कुल जरूरी है। हॉस्पिटल वाली स्टेज ही ना आन दिओ, हॉस्पिटल उस व्यक्ति नूं लैके जाया जाएगा जिहड़ा जिहनूं जरूरत है, जिहड़ा कि जिहदी तबीयत बहुत खराब है, क्लीनिकली कंडीशन इहो जी है कि साह की दिक्कत आ रही है, उहनूं ऑक्सीजन की लोड़ है या वेंटीलेटर की लोड़ है या किसी होर मैकेनिज़म के तहत उन्हों सपोर्ट की लोड़ है, उसनू लेके जाया जाएगा। क्यों सरकार या डॉक्टर्स या साडे कर्मचारी आशाज या पैरामेडिक्स किसी सही व्यक्ति नू राजीवाजी व्यक्ति नू हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ये बिल्कुल कूड़ प्रचार है। और इन्हों असी चेतावनी भी देना चाहते हैं, SSP साहब वालों भी, DC साहब वालों भी, इन्हों के परचे भी दर्ज हुए ने और अगे नूं भी होणगे जिहड़े इस तरह की समाज विरोधी गतिविधियां करनगे। टीमां नूं बिल्कुल नहीं रोकना, अपना सहयोग दिओ, अपनी सैंपलिंग कराओ, रिजल्ट आएगा तुहाडे कोल शेयर किया जाएगा, अगर लोड़ होगी तां ही तुहानूं हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। तुसीं आप समझो कि 4,100 दे करीब तां बंदे होम आइसोलेट करे गए,
ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਟੀਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਓ ਔਰ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 87,308 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ 6,638 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਬਾਕੀ 1100 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 1474 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ।